भारतीय किसान संघ ने मनाए बलराम जयंती। किसानों की समस्याओं को लेकर पीएम सीएम और डीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। खबर शिवपुरी जिले के बैरार से है। भारतीय किसान संघ तहसील बैरार ने गुरुवार को बलराम जयंती मनाई और किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि भारतीय किसान संघ देश भर में विभिन्न दिनांकों में भगवान बलराम की जयंती मनाई जा रही है। इस क्रम में बैरार में भी कार्यक्रम आयोजित कर तहसील क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल की अतिवृष्टि से बर्बाद होने पर नुकसान की भरपाई और बीमा राशि और खाद की समस्या सहित मवेशियों के द्वारा फसल नुकसान पर मवेशियों को गौशाला में व्यवस्थित करने और सोयाबीन का मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने सहित कई अन्य बिंदुओं के साथ सीएम पीएम सहित कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार बैरार दृकपाल सिंह को सौंपा गया है। बैरार से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो तहसील परिसर में आप लोग आए हो, ज्ञापन दिया, क्या कुछ मामला क्या के लिए आए थे? ज्ञापन का मुख्य रूप है कई बार भारतीय किसान संघ के माध्यम से, भारतीय किसान संघ के माननीय कलेक्टर साहब और माननीय जिलाधीश को माननीय मुख्यमंत्री के नाम कई बार ज्ञापन दिया है कि बैरार तहसील में खाद की कालाबाजारी बंद नहीं हुई। पहले भी कई बार यहाँ धरना प्रदर्शन हो चुके हैं। 275 की रेट वाला यूरिया 350 में प्राइवेट दुकानों पर मिलता है। यहाँ का संचालित नगद खाद वितरण केंद्र 10 दिन के लिए खुलता है, 2 महीने के लिए बंद रहता है। वहाँ जो खाद आता है वो सीधा का सीधा पूरा उन खाद विक्रेताओं के माध्यम से ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर किसान का शोषण यहीं वही की शोषण पिछली तरह के प्राइवेट वाले फिर 1200 की रियो को 1800 दे। दूसरा विषय है अपना बिजली का। बिजली में किसानों का प्रथम श्रेणी ऑफिस के माध्यम से बड़ा शोषण हो रहा है। कनेक्शन के नाम पर 5 HP के पंप हैं, उन बिना जांच किए 10 किए गए हैं, 10 के जो है 17 के और 20 के किए गए हैं और किसानों से पैसे हटने का कार्य किया जाता है। मैं माननीय मध्यप्रदेश सरकार और माननीय जिलाधीश को यह निवेदन करता हूँ भारतीय किसान संघ के माध्यम से कि इन विषय पर बहुत जल्द किसानों की बातें सुनी जाए। और तीसरा विषय था अपना गौशाला का। गऊ माता है पूरे शिवपुरी जिले में, खास करके बैरार तहसील में सड़कों पर बैठी रहती हैं। कई गौशालाएं संचालित हैं, फिर भी गौशाला रोड पे हैं। गौशाला से किसानों की खेती लगभग बैरार तहसील के आसपास 20 गांव की खेती चौपट कर दी है। इस पर सरकार गौशालाओं को संचालित कर गौशालाओं गऊ माताओं को व्यवस्थित करे। दूसरा किसानों के लिए तार फेंसिंग के लिए 80% अनुदान दे। ऐसी आज के ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने बलराम जयंती के साथ साथ माननीय तहसीलदार साहब को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और जिलाधीश के नाम ज्ञापन दिया है। और इन मांगों को अतिवर्षा सबसे मुख्य कारण है। यहाँ पिछले महीने में ज़्यादा वर्षा होने के साथ साथ 80% फसलें नष्ट हो चुकी हैं। उनका सरकार तुरंत शासन प्रशासन सर्वे कराकर और किसानों के खाते में बीमा और नुकसानी की भरपाई की जाए। अच्छा, अरे जो स्थानीय समस्याएं आपने दी हैं उनका निराकरण नहीं होने पर आपकी क्या आगे? स्थानीय समस्या निराकरण नहीं होने पर 16 सितंबर को जिले में बड़ा एक आंदोलन है। इसमें पूरे जिले की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।